What's up my beauty family, this is your friend Mohit, back with another super duper vlog. So guys, आज हम आपको फिर से लेके आए हैं, सामने आप देख ही रहे कौन है, हमारे सोनू भी है। तो आज हम आपको लेके कमल ज्वेलर्स पे, जो कि लोकेटेड है आपके सदर बाजार में। एंड आज के व्लॉग में आपको फिर से एक न्यू कॉन्सेप्ट की डिजाइनर ज्वेलरीज हम आपको दिखाने वाले हैं। बता दूं, ये वीडियो जो है दो पार्ट में आपके आने वाली है। पार्ट वन में हमने आपको कुछ अलग कॉन्सेप्ट दिखाएंगे एंड पार्ट टू में आपको कुछ अलग कॉन्सेप्ट दिखाएंगे। तो उन सबकी डिटेल देने के लिए आपको सोनू भैया से मिलता हूं। सोनू भैया कैसे हैं आप? बस सर, आप बताएं। भैया बस एकदम बढ़िया। भैया हम बात कर रहे हैं, जो हमने लास्ट वीडियो बनाई थी आई थिंक उसके बाद ही हमारी दो तीन महीने बाद ही वीडियो बन रही है। हाँ जी। तो मैं आपको एक बात बोलूं, जो हमने लास्ट कैनी कुंदन वाली बनाई थी वो बहुत अच्छी, बहुत सुपर डुपर हिट रही है हमारी। काफी हमें नए लीड्स, नए क्लाइंट्स मिले हैं और मतलब उनके अच्छे रिव्यूज आए हैं, उनके बहुत अच्छे हमारे को आए हैं। और ठीक है, सर्विस वाइज भी हम उनको अपनी तरफ से अच्छी सर्विस नहीं दे रहे हैं। अच्छा अच्छा। अच्छा भैया हम बात करेंगे आज के मामले, फिलहाल हम पार्ट वन में क्या कॉन्सेप्ट दिखाने वाले हैं? पार्ट वन में बहुत हमने स्टेटमेंट इयररिंग्स, डिजाइनर इयररिंग्स, जो आजकल मीना कंसेप्ट, कलर का कंसेप्ट चल रहा है, त्यानी में थोड़ा सा कस्टमर को इकोनॉमिक चाहिए, तो वो इकोनॉमिक हम 300, 400, 500, 700 इस रेंज के एट में हमने डेवलप किए हैं, वो सब चीज़ें नई दिखाई हैं। इसके अलावा हमने रिवर्स हेडी में कस्टमर बोर हो चुका था ये रूटीन के एट में लेके, हमने कुछ नया किया है उसके अंदर, कुछ डिफरेंट कंसेप्ट किए हैं नेकलेसेस में, जिसमें हमने फोल्ड वाली एट में बनाई थी वो सब हमने डाला है। तो स्टेटमेंट इयर रिंग्स और नेकलेसेस, पुराई जिसको बोलते हैं, पुराई वाले हमने वो काम किया। तो ये फर्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट में हम आपको दिखाएंगे ग्लास कुंदन और पीपी कुंदन अनकट। ठीक है। अनकट में क्या है, अभी मार्केट में जो है थोड़ा सा महंगा काफी चीजें हैं, तो हमने उसको इकोनॉमिक बनाया, बहुत साफ सुथरा माल बनाया, कोई गेस भी नहीं कर सकता कि वो इकोनॉमिक है या अच्छा है। ठीक है। हमने कम रेंज में उसको बहुत अच्छी चीज बना के दिया। सोनू भैया हम बात करते हैं, आपका इंस्टाग्राम पेज किस नाम से होगा? इंस्टाग्राम मेरा कमल ज्वेलर्स 99 के नंबर से है, वो आप यहाँ डाल दीजिएगा। सो गाइस साइड में आप देख रहे हैं भैया का पेज आ रहा होगा इंस्टाग्राम पर। इस पे क्या होता है, जब भी कोई नया कॉन्सेप्ट कुछ भी ज्वेलरी आती है, चाहे ज्वेलरी इयररिंग्स कुछ भी होगा, तो यहाँ पे आपको अपडेट देखने को मिल जाता है। एंड रिक्वेस्ट है कि प्लीज यहाँ पे आप ओनली होलसेल में ही ऑर्डर कर सकते हैं। ये एक चीज है, उसके लिए सॉरी कि हम रिटेल में नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम किसी को मना करते हैं, हमें खुद अच्छा नहीं लगता। भैया अगर मैं बताऊँ, अगर हम रिटेल में देने लग गए फिर तो यहाँ पे ना लाइन लगा करेंगे, टोकन लेके लोगों को आना पड़ेगा यहाँ पे, थोड़ा सा दिक्कत है। हाँ गाइस प्लीज, एक रिक्वेस्ट है यार भैया, अगर यहाँ पे आपको ओनली होलसेल में ही मिलता है तो आपको यहाँ पे ओनली होलसेल मिलेगा। प्लस अगर भाई को अप्रोच लगाओगे तो क्या था, भैया को रिटेल में भी ला देगा भैया से। मजाक करो कि, लेकिन बस ये बेसिकली होलसेल में ही मिलेगा, क्योंकि पता क्या होता है यार, एक्चुअली यहाँ पे ना भैया का इतने ऑर्डर होते हैं तो भैया होलसेल कस्टमर को एंटरटेन नहीं कर पाते, रिटेल को फिर कहाँ कर पाएंगे। बाकी इसके अलावा भैया के नंबर आपके सामने आ रहे हैं, यहाँ पे आप कॉन्टेक्ट कर लेना, कुछ भी आपको क्वेरी है यहाँ पे कॉन्टेक्ट कर लेना, आपको मिल जाएगी। प्लस भैया अगर कोई मेरा कोई फॉर एग्जाम्पल कोई हमारे जो सब्सक्राइबर्स है, कोई बाहर से बैठ के हमारा ब्लॉग देखे, कोई आउट ऑफ कंट्री, यूएस, यूके, कनाडा, कहीं से भी, वीडियो कॉल पे अगर हम उसके प्रोडक्ट दिखाना दिखा दोगे वैसे ही कर रहे हैं। अच्छा करते हैं। तो मैंने बेसिकली क्या है, आपको यहाँ पे ये भी बेनिफिट है कि मतलब आपको वीडियो कॉल पे दिखा भी दिया जाएगा कि क्या चीज है, क्या क्वालिटी पूरी दिख जाती है, चीजें पूरी समझ आ जाती है सब कुछ। देखो जी, व्यापार है तो क्रिस्टल क्लियर जब तक नहीं होगा तब तक मजा नहीं आया। ठीक है, चीजें क्रिस्टल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो चले गए, चलते हैं, शुरू करते हैं आज के इस ब्लॉग। आ चुके अपने फिर से कमल ज्वेलर के सुपरस्टार अपने रिम्पी भैया। रिम्पी भैया कैसे हैं? एकदम बढ़िया। सो रिम्पी भैया अब ये बताइए, सबसे पहले हम क्या दिखाने वाले हैं? पहले मैं आपको स्टेटमेंट इयररिंग्स दिखाने वाला हूँ। ठीक है। वो बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये स्टेटमेंट इयररिंग्स की कुछ नई कलेक्शन आई है जो एक्चुअल सबसे ज्यादा बहुत हिट चल रही है। ठीक है। सो ये देखिए गाइस, इयररिंग देखिए पीस है यार, मतलब भैया सही में मतलब क्वालिटी है, मतलब ना आप ये देखो, मैं आपको इसलिए जूम करके दिखा रहा हूँ कि आपको क्वालिटी पता चले कि अगर आप पैसा स्पेंड कर रहे हो ना तो उसमें जो आपको प्रोडक्ट मिला है वो पूरा वर्थ इट है। एंड भी हम बात करें इसका होलसेल में ऐसे कॉस्टिंग क्या है इसकी? सर ये मेरे जितने भी कस्टमर्स हैं एज अ स्टेटमेंट इयररिंग्स को लेके, उनको सबको पता है कि इनकी रेंज जो है ना ज्यादातर 1700 या 1800 से स्टार्ट होती है और हार्डली 3000 के आसपास चली जाती है। ठीक है भैया। ये जो मैंने आपको दिखाया ये मेरे ख्याल से 2500 के आसपास का इयररिंग। अच्छा। हाँ, तो और ऐसा नहीं है, एज अ स्टेटमेंट इयररिंग्स जो हमारी त्यानी कुंदन की पिछली लाइव जो हमारी गई थी, मेरे कस्टमर्स मेरे से बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी में इयररिंग्स मांग रहे थे जो उसी को रिलेट करते हुए वो इयररिंग्स हैं। तो कस्टमर बहुत ज्यादा इन है एज अ स्टेटमेंट इयररिंग्स को लेके, तभी मैं कुछ डिजाइन नए आए थे तो मैं वो ज्यादा दिखाना चाह रहा हूँ। ठीक है, ओके भैया। जैसे कि देखो इसका व्हाइट कलर देखोगे आप कहोगे कि हाँ जी यार ये क्या दिखा दी, ये देखो व्हाइट कलर देखो, ये सही में भैया बहुत ही खूबसूरत है भैया सही में। और ये रूबी जिसमें लगा रखे बीच में ये भी काफी अच्छा लग रहा है इसके लुक में, ये एक्चुअली के एनहांस कर रहे हैं ओरिजिनलिटी लुक देना, ये उस तरीके के इसके कलर्स हैं।
वो तो है भैया सारा टोटली इसके अंदर कलर कॉम्बिनेशन देख रहे हो। एंड भैया इसकी हमने कॉस्टिंग कितनी बताई है? ये कॉस्टिंग सर इसकी समझ लो 2700 प्लस है। 2700 प्लस ओनली इयररिंग्स की। एंड अगर ये बात बताऊं, अगर कोई डिटेल में इससे जैसे आपसे परचेज करता है, आई थिंक यार इसको भी आराम से 3-4 हज़ार पे आराम से या ज्यादा भी इसको बेच सकता है। वो डिपेंड करता है शोरूम कहाँ पे है। वही बता रहा हूँ कि जिनका शोरूम है बहुत अच्छे अच्छे बहुत हाई प्रोफाइल के काउंटर्स खोल के बैठे हैं, वो इनको 5-6 थाउजेंड में यहाँ सेल आउट करते हैं। अदरवाइज जितने भी आउट ऑफ कंट्री के कस्टमर्स हैं, यही ये सब चीजें जो हैं 110-150 डॉलर्स में सेल आउट करते हैं। अच्छा, और हम बात करें आउटसाइड इंडिया। हाँ, आउट ऑफ इंडिया का जितना भी कस्टमर है ऐसा इस तरीके के स्टेटमेंट इयररिंग्स को 150-135 इस तरीके के डॉलर्स में सेल आउट करता है। ठीक है भैया। तो भैया नेक्स्ट देखेंगे कलर्शन, लिखाओ कलर्शन इसके, देखिए जरा कलर सारे ओरिजिनल जो लुक दें, जो उस तरह के कलर्स हैं इसके अंदर। व्हाइट हो गया, ग्रीन के साथ कॉम्बिनेशन हो गया, रूबी के साथ कॉम्बिनेशन हो गया, ठीक है। मिंट कलर मैंने आपके बार थोड़ा सा एड ऑन किया है इसमें, ओके, थोड़ा लाइट पिंक कलर किया है। ये देखिए आपको, ये हो गया पीच, हो गया आपका, ठीक है। तो भैया नेक्स्ट हम दिखा रहे हैं, अच्छा सॉरी पिंक है, सॉरी सॉरी। अगला देखिए, ये भी देखो स्टेटमेंट बहुत ज्यादा इन है ये पीस, झुमकी प्यानी कॉन्सेप्ट को लेके है। ये देखो, ये चीज देखो, एक चीजें कुछ अलग है यार भैया, इसके बारे में कुछ बताओ यार। नवरत्न कॉन्सेप्ट है, नवरत्न कॉन्सेप्ट, ठीक है। कार्विन का काम हुआ हुआ है इसके अंदर। अच्छा, और स्टेटमेंट झुमकी करके बहुत सेल आउट होता है एज अ त्यानी, ठीक है भैया। ठीक है, इसकी क्वांटिटी देखो आप भैया, पूरा ही नवरत्न है, कुछ दिख नहीं रहा है। इसमें कलर्स नवरत्न ही आता है झुमकी में, हाँ जी हाँ जी, इसमें सिंगल कलर नहीं आता, ठीक है। अच्छा, मतलब फॉर एग्जांपल सिंगल कलर चाहिए लाइक ऐसे रेड ब्लू कोई नहीं मिलेगा, नवरत्न ही मिलेगा। ये पर्टिकुलर एज अ स्टेटमेंट इयररिंग्स जो ये डिजाइन है, ये नवरत्न कलर की ही है, ठीक है भैया। ठीक है, अदरवाइज बाकी और डिजाइन दिखाऊंगा उसमें कलर्स मिल जाएंगे, वो डिजाइन ही ऐसा बनाए कि वो नवरत्न आएगा, ठीक है भैया। अगला डिजाइन दिखा रहा हूँ, अगला डिजाइन देखो, ये भी नंबर वन त्यानी कुंदन का हिट डिजाइन है। ये देखिए, ये तो भैया बहुत ही खूबसूरत, खतरनाक, आपको दिखाता हूँ जरा, ये देखिए, ये देखो चीज है भैया, सही में त्यानी कंसेप्ट को लेके है ये। अब जैसे इसका प्राइस है ये 2210 का है, 2210। और ऐसा नहीं है कि हाँ जी अगर मैं 2210 बोल रहा हूँ तो जितने भी मेरे कस्टमर्स हैं आउट ऑफ कंट्री के, और वो जब वो इनको देखेंगे तो उनको शॉक्ड होगा, ऐसा कुछ नहीं है। उनको पता है कि हाँ जी ये एज अ त्यानी कंसेप्ट किस किस रेंज में आता है, ठीक है। 1700 या 1500 से रेंज स्टार्ट होती है और 3000 समथिंग में ये चला जाता है। सो बेसिकली मतलब आपको मिड रेंज दिखा रहे हैं, मतलब इसमें अगर और सुपर फाइन क्वालिटी चाहिए तो वो भी मिल जाएगी, 4000 तक की रेंज भी चली जाती है और कस्टमर उसको बाय करता है, ठीक है। भी मेरा आउट ऑफ भैया देखो, एक बार तो भैया देखो, वो ना डिपेंड करता है कि कैसा कस्टमर है, जिसके पास उसे पता है क्रीम कलेक्शन है, हाँ। वो भैया लेने वाला 4000 से 5000 वाला भी ले लेगा वो, बिल्कुल बिल्कुल। और सेल आउट क्लाइंटेज पे डिपेंड करता है, क्यों भैया उस तरीके के क्लाइंटेज है। अब ये देखो, ये वाला इयररिंग देखो, चीजें कुछ अलग है यार। देखो सबसे मेन बात ये है कि ये जितने भी मैं आपको स्टेटमेंट इयररिंग्स दिखा रहा हूँ, इसके अंदर कलर्स जो है ज्यादातर इसके ओरिजिनल कलर उठ के आएंगे, ओरिजिनल जैसे कि ग्रीन हो गया, रूबी हो गया, व्हाइट हो गया, इस तरीके के कलर्स आते हैं इसमें ज्यादातर। ये देखिए, ठीक है भैया, नेक्स्ट नेक्स्ट ये ऑप्शन होगा, ये एक ऑप्शन है, अलग डिजाइन है, ये डिजाइन अलग, ओके सर, ये डिजाइन अलग है, ठीक है। नेक्स्ट आपको अगला डिजाइन देखिए, ये भी स्टेटमेंट इयररिंग्स बहुत ज्यादा इन है, बहुत ज्यादा, मतलब कस्टमर को कभी कभार इसका स्टॉक भी नहीं मिल पाता। ये देखिए, ये देखिए, ये क्या चीज दिखा रही है, लाइट वेटेड एज अ पूरा स्टेटमेंट, अमेरिकन डायमंड्स और कुंदन का मिक्स मैच है, और ये स्टेटमेंट इस इतना पॉपुलर है कि कभी कभार इसका स्टॉक भी नहीं मिल पाता भैया, सही में। ये जितने भी तक आपने दिखाए हैं ना, ये सबसे खूबसूरत है ये वाला, हाँ जी। अब ये देखिए, उसी से रिलेटेड एक ये दूसरा डिजाइन आया था मेरे पास, ये थोड़ा आपका रूबी कॉन्सेप्ट में भी आएगा, रूबी भी इसमें, हाँ इसमें ये थोड़ा ना आजकल इस तरीके, ये देखो चांद वाली स्टाइल का, इसमें बीच में एलिफेंट बना हुआ है, आजकल बहुत ज्यादा कस्टमर, एलिफेंट कॉन्सेप्ट है बेसिकली ये, ये देखिए स्टेटमेंट, ठीक है भैया, हाँ जी। एंड इसकी भी हम बात कर रहे थे, कॉस्ट क्या होने वाली है? अब जैसे इसकी कॉस्ट जो है ये 2760 का है, 2760 का, हाँ जी। एंड हम बात करें, अगर ये हाथी कॉन्सर्ट अगर कोई सेल करेगा कितने तक खाई जाएगा? मैं आपको बता तो रहा हूँ, 150-165 डॉलर्स का कस्टमर सेल आउट करता है इन सब चीजों को, क्योंकि मेरे को पता है। अच्छा, और हम इतने ज्यादा एक्सपेंसिव अगर इसके एज अ स्टेटमेंट के प्रोडक्ट्स रख के बैठे हैं और 12-12, 25-25 पीस इनके हैं, तो आपको पता ही होगा, मतलब रखे हैं तो बिकते होंगे, तभी रखे वो है। तो है भैया, वो तो है, देखो तो अब भैया देखो,
हर बंदे के पास ना अपने टाइप की क्लाइंटेज है, हर के पास हाई प्रोफाइल लोग भी है, लो प्रोफाइल भी, मिडिल प्रोफाइल भी, हर टाइप के लोग होते हैं। इससे पहले की वीडियो जो मैंने आपको दिखाई थी उसमें मिनिमम रेंज का कंसेप्ट था। हाँ जी, ये जो कंसेप्ट है इसकी तो क्लाइंटेज ही बिल्कुल अलग है इन सब। नहीं, सही में भैया लिटरली ये बात बोलूंगा कि मतलब जो मैंने प्रोडक्ट्स आपके पास कवर किया ना, इससे मैंने पहले भी काफी ज्वेलर्स को कवर किया है आर्टिफिशियल में, लेकिन उनके पास तो भैया ये दूर दूर तक ऐसे प्रोडक्ट्स देखने को भी नहीं मिलते थे भैया। हाँ, अब ये देखिए, आप ये देखिए कितना कुंदन में सिल्वर, सिल्वर के साथ, सिल्वर पॉलिश के साथ अनकट कुंदन का मिनिमम रेंज का, सॉरी मिक्स रेंज का कॉन्सेप्ट है कलर का। ठीक है, ठीक है, कलर देखिए, आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ये एक नया कंसेप्ट आया विक्टोरियन को लेके, विक्टोरियन, अच्छा, विक्टोरियन इन द सेंस सिल्वर और गोल्डन का कलर कॉम्बिनेशन। ओके, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए क्या चीज है, खूबसूरत। ठीक है, ये सारा अनकट कुंदन का कंसेप्ट है जो आजकल स्टेटमेंट इयररिंग्स में सबसे ज्यादा सेल आउट हो रहा है। अच्छा, ठीक है, ठीक है, एक ये देखिए, इसकी रेंज की बात करेंगे, क्या रेंज आएगी? वही सर, 2700-2500। ठीक है, ये इसी के आसपास रहेंगे भैया। अगर मैं बात करूं, लाइक जैसे हम ये दिखा रहे हैं, ये थोड़ी हाई एंड रेंज में दिखा रहे हैं। हाँ। अगर कोई हमारे सब्सक्राइबर है, कोई भी हमारा कस्टमर है, अगर उसको मिड रेंज चाहिए, मिड रेंज भी मिल जाएगी। मतलब इसमें एक्चुअली जो मेरे पास जो इसकी क्लाइंटेज है अभी, जैसे 2500 से लेके 3000 तक के रेंज के जो हायर कस्टमर्स हैं, जो इस तरीके के कंसेप्ट को रखते हैं, वो इस तरीके का तो है मेरे पास। मगर ऐसा नहीं है कि मेरे पास इसमें 1500 वाली या इसमें 1200-1500 रुपए वाली रेंज नहीं है, वो भी है, बट ये है कि इस टाइम इसकी बहुत ज़्यादा, इस पर्टिकुलर कंसेप्ट के बहुत ज़्यादा कस्टमर क्लाइंटेज जुड़ रहा है, तो मैंने आपको ये वाला कंसेप्ट दिखाया। ठीक है भैया, तो इसमें ऐसा नहीं है कि मेरे पास इसमें 1200 या 1500 की रेंज नहीं है। ये देखिए, ये देखिए, ये वाला भी देखिए, ये देखिए, टू टोन हो गया आपका, सिल्वर गोल्डन कॉम्बिनेशन। एंड वी आर सीइंग बीच में अमेरिकन डायमंड है छोटे छोटे। हाँ जी, हाँ जी, अमेरिकन डायमंड और कुंदन का कंसेप्ट है, 2340 का इयररिंग है और सारा टोटली स्टेटमेंट कंसेप्ट को लेके है। ठीक है भैया, नेक्स्ट हम क्या दिखा रहे हैं? अब हम दिखा रहे हैं सर कुंदन से रिलेटेड कंसेप्ट मिनिमम रेंज का। ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहले तो कुंदन का दिखाना था जो मिनिमम रेंज का कंसेप्ट है। ओके, ठीक है, ये इकोनॉमिक रेंज है, जैसे ये 1790 रुपए की है। ठीक है भैया, क्वालिटी आपको चेक कराता हूँ जिससे कि आपको पता चल जाएगा। जैसे ये पीस लगा हुआ है, ये देखो, मैं आपको दिखाऊँ, ये देखिए पीस, देखिए ये 1790 का पीस है। हाँ जी, लेकिन वे 1790 के पीस में भी यार फिनिशिंग प्रॉपर है भैया। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये इसका कलेक्शन देखो, और ये देखो इस पर डमी पे लगा हुआ, और ये इसके हो गए आपके इयररिंग्स हो गए, एंड ये मैं आपको जो मैं कर रहा हूँ, ये देखिए, ये देखो फ्लेक्सिबिलिटी, ये देखो, ये दिखाना जरूरी है क्योंकि पता चलता है कि चाहे कोई किसी का गला पतला है, मोटा है, जैसा भी है, सबके गले में फिट हो जाएगा ये। ठीक है, और क्वालिटी वाइज मतलब अगर हम मिनिमम रेंज में भी अगर कुछ उतार रहे हैं तो उसकी क्वालिटी को ध्यान दिया जाएगा, वो तो पक्का है। ठीक है, ठीक है, सारे कलर्स मिलेंगे इसके अंदर, जैसे पिंक हो गया, रूबी, ग्रीन, पीच, मिंट, इस तरीके के पेस्टल्स कलर्स मिल जाएंगे जो आज अभी तक कुंदन के अंदर नहीं डेवलप हुए। ठीक है, सबसे मेन बात कुंदन में ज्यादातर आपको कलर्स कौन से मिलेंगे? रूबी, ग्रीन और व्हाइट। कुंदन में अब की बार हमने एक्चुअली क्या है, जो मिनिमम रेंज का कंसेप्ट है उसके अंदर पेस्टल कलर्स डेवलप कराए हैं। ठीक है भैया, ठीक है, नेक्स्ट जैसे मैंने अभी आपको एक डिजाइन दिखाया, फिर उसका दूसरा डिजाइन है, ये देखिए, जो चोकर को लेके वही सेम कलर्स, पेस्टल कलर, मिंट पिंक कलर, तो मल्टी कलर और सिंगल कलर से वही मिलता है। हां, वो भी कलर है, एंड ये भी 1790 की रेंज में है। ये मतलब वो अगर 1790 होगा, हाँ, ये 1760, मतलब 1700 लेके 2000 तक की रेंज का ये पतले वाले चोकर है। ठीक है भैया, ठीक है, डिजाइन इसके अंदर 6-7 मिल जाएंगे। अगला बेसिकली उसके अलग अलग डिजाइन है। हाँ, अगला कंसेप्ट दिखा रहा हूँ, ये स्टिफ चोकर कंसेप्ट है। आजकल ऐसे पतले पतले चोकर चल रहे हैं रजवाड़ी स्टाइल में कुंदन में। ये देखिए, ये देखिए प्लीज सर, बीच में क्या लगा हुआ है? बीच में ये मोनोलिसा स्टोन सही है। ये मोनोलिसा पूल की रिवर्स एडी में इन सब चीजों में लगा हुआ आता है। ठीक है, बट पहली बार मैंने इसको कुंदन में इसको डेवलप किया। ठीक है, ये देखो, पीस देखो आप ना, ये देखो जो हम आपको प्रोडक्ट्स दिखाते हैं ना, उनकी फिनिशिंग देखो, उसकी क्वालिटी देखो, मतलब आपको पता चला कि हाँ, आप एक प्रोडक्ट जो पे आप पैसे लगा रहे हो, मतलब वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है वो। बिल्कुल बिल्कुल, एंड इवन जो आपके कस्टमर आपसे परचेस करेंगे वो उल्टा आपसे बार बार परचेस करेंगे। क्यों? क्योंकि जब उन्हें आप ऐसे प्रोडक्ट दोगे तो आपके रेगुलर कस्टमर बनकर रहेंगे। आपको वीडियो पे दिखाई रहा हूँ तो आपको एक्चुअल क्वालिटी तो पता चली रही है कि हाँ जी वो क्या है
एक्चुअल, मतलब अगर वो हायर क्वालिटी है तो एज अ मिनिमम रेंज में भी उस पे कॉन्सेंट्रेट किया गया। ठीक है भैया, इसे कलर ऑप्शन दिखाएंगे भैया। इसमें झुमकी के साथ है, मतलब जो मैंने चोकर दिखाया था इसके साथ झुमकी है। ये देखिए झुमकी से देखिए, कलर्स देखिए, इसमें कलर ऑप्शन देखिए, ये देखिए इसे कलर ऑप्शन आ गया ग्रीन मिंट पिंक कॉम्बिनेशन, ये इस तरीके से ठीक है, इसके इस तरीके के कलर्स डाल रखे हैं, ये इनके डिजाइन है। ठीक है, ये देखिए डिजाइन देखिए, कलर देखिए। ठीक है, ये देखिए इसका एक और डिजाइन आ गया, इतना सुंदर डिजाइन है। भैया इसका ना एक मैं कलर निकाल के दिखाई दो, चलो ये दिखाओ, ये वाला कलर ओरिजिनल कलर निकाल के दिखा, ओरिजिनल। ठीक है, एम्ब्रॉयडर्ड, एम्ब्रॉयडर्ड कलर, ये देखिए डिजाइन, पीस देखिए, मतलब मजा आ जाएगा भैया, एकदम परफेक्ट जिसे कहते हैं ना, मजे आने वाला काम वो तो है। और ऐसे बड़े बड़े प्रोडक्ट्स कहाँ देखने मिलेंगे, सिर्फ कमल ज्वेलर्स पे, और हमारे रिम्पी भैया जो दिखाएंगे बड़े बड़े प्रोडक्ट्स। अगला कंसेप्ट मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ग्लास कुंदन कंसेप्ट। ठीक है, ये एक मिनिमम, इसमें भी सर वही मैंने मोनालिसा कलर एड ऑन किए हैं। ये देखिए, जैसे ये डिजाइन देखिए, ये देखिए कितना खूबसूरत डिजाइन। कुछ कस्टमर्स रहते हो, कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं जिनको एक्चुअल मिनिमम रेंज में कुछ शाइनिंग से रिलेटेड काम चाहिए होता है। ठीक है, ये वो है उसी से रिलेटेड, कुंदन का थोड़ा मिनिमम रेंज का कंसेप्ट है। ऐसा नहीं है कि लो क्वालिटी है, क्वालिटी लो नहीं है, पीछे ब्रास में प्रॉपर तरीके से काम किया हुआ है, सब कुछ उस तरीके से है, मगर ये है कि इसको थोड़ा मिनिमम रेंज में लाने के लिए उसको ग्लास में कन्वर्ट किया गया। हाँ जी, कि लगे तो कुंदन ही बट है ग्लास। ठीक है, तो बेसिकली ये कुंदन नहीं है, सारा ग्लास है, ग्लास वर्क का काम किया गया है। और बट लेकिन आप ये देखिए, अगर मैं आपको उसमें दिखाऊं, जूम करके दिखाता हूँ, ये देखिए, मतलब ना लग ऐसे रहा है लग जैसे कुंदन है, लेकिन ये ग्लास है। हाँ, ओके, लेकिन भैया क्वालिटी इतनी सुपर फाइन है ना कि अगर किसी ने भैया गले में पहना ना, और अगर दूर से खड़े होकर देख रहे हैं, पास में भी आके देख रहे हैं ना, वो यही सोच रहे कि नहीं ये कुंदन पहना हुआ है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही है। तो भैया नेक्स्ट, अब इसमें हम डिजाइन दिखाएंगे, और डिजाइन में इसमें डिजाइन तो दिखाएंगे, इसके कलर देखो, कलर देखो, पिंक कलर, मिंट कलर। ठीक है, ये एक्चुअली सेमी ब्राइडल बोल सकते हो आप इसको। हाँ जी, अगर कोई मतलब जैसे एंगेजमेंट पर्पज के लिए किसी ने हैवी नेकलेस पहन लिया तो ये उस पर्पज के लिए चला जाएगा। एज अ ब्राइड में अगर ज्यादा हैवी नहीं पहनना तो एज अ मिड चोकर हो गया, उसने इतना ही पहन लिया, इयररिंग पहन लिया और टीका पहन लिया, ये उससे रिलेटेड। ठीक है, ठीक है, अब ये देखिए उसी का रिलेटेड उसका डिजाइन है, डिजाइन है, ये देखिए। ठीक है, ये सिर्फ ऐसे ही एवं आपको लगा के ना जरा दिखाते हैं, ये देखिए कि मतलब देखिए पीस की जो फिनिशिंग है वो कैसी आएगी, कलर देखिए, ये देखिए कलर भी देखिए, और ऊपर ये देखिए कि प्रोडक्ट की फिनिशिंग देखिए। एंड बता दूं ये सारा जो है मिरर है, लेकिन लगता है पूरा कुंदन है। मिरर नहीं है, ग्लास है। ओ सॉरी, ग्लास है, सॉरी ग्लास, सॉरी है ये ग्लास, लेकिन लगता है ये पूरा आपका कुंदन है ये। हाँ जी। एंड भैया इसके हम रेंज की बात करें, इसकी क्या रेंज होगी? 1860 रेंज ज्यादातर ऐसी आनी है, 1700-1800-2000 यही रेंज आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट आप ना पीस देखिए, फिनिशिंग देखिए, मतलब ना भैया के प्रोडक्ट्स ऐसे है ना, मतलब यार बोलते है कि हाँ यार हमारी जो कॉस्ट है ना वो एकदम रीजनेबल है। एंड अगर मैं एक और बात बताऊं भैया, इसकी कॉस्टिंग है, मतलब इसकी कॉस्ट क्या होने वाली है? इसकी कॉस्ट सर 1860। मैं आपको इस बात की गारंटी तक दे सकता हूँ, इस प्रोडक्ट को आप 1860 के प्रोडक्ट को आप कम से कम 4-5,000 या उससे ज्यादा, बेसिकली डिपेंड करते हैं क्लाइंटेज पे। तो ये देखिए, ये ऐसे डिजाइन में आपका आएगा, ये मतलब ये सेम जो था ये मैंने आपको दिखाया, ये सेम ही ऐसा आपका आएगा। ठीक है भैया, नेक्स्ट। अब अगला मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसी के इनके स्टड्स हैं, ये स्टड्स हैं, फिर मैं आपको इसकी फिंगर रिंग्स दिखाओ, ये स्टड्स दिखाओ, स्टड्स देखो, ये बहुत ज्यादा सेल आउट होते हैं भैया। ये भी ग्लास में होंगे? ये कुंदन है, ये कुंदन, ये कुंदन है पूरा। ये जो ओरिजिनलिटी लुक दे, कस्टमर इनके अच्छे खासे प्राइसिंग दे सकता है। बेसिक कंसेप्ट ज्यादातर जितनी भी 30-40 एज की जितनी भी लेडीज होती हैं तो वो ज्यादातर इन सब चीजों को वेयर करते हैं। ठीक है, ठीक है, ऑफिस वेयर्स भी आप कर सकते हो, ये नॉर्मल किसी फंक्शन में भी इसको वेयर आप कर आराम से इजी किया जा सकता है। एंड बात करेंगे स्टड की कॉस्टिंग होने वाली है। अब इनकी प्राइसिंग ज्यादातर, जैसे ये 230 का है तो इनकी प्राइसिंग ज्यादातर ऐसी आएगी 200 से लेके 300 तक। ठीक है, ओके, ठीक है। सो ये देखो, इसमें आपको अलग अलग डिजाइन देखने को मिलेंगे, और इसमें कलर जो है ज्यादातर ऐसा ही आएगा, रूबी, ग्रीन और व्हाइट, ये ओरिजिनल कलर है। ठीक है भैया, नेक्स्ट हम दिखाएंगे। फिर अगली आइटम इसके अंदर, इसी के जैसे मैंने इसी के स्टड्स मैंने आपको बोल दिया मिल जाएंगे,
अगला कंसेप्ट इसी का है, एयरिंग का। ठीक है, ये देखिए मोनालिसा कंसेप्ट के एयरिंग्स कुंदन में, जो अभी तक मेरे ख्याल से शायद कहीं डेवलप हुए नहीं है। कुंदन में लोगों ने अभी तक इस तरीके के पेस्टल कलर्स नहीं डाले। ये देखिए क्वालिटी देखिए, सुपर फाइन। एंड ये आपका प्रॉपर पूरा कुंदन है ये। हाँ जी ठीक है। एंड ये बीच में आपका स्टोन क्या होगा, मोनालिसा स्टोन है ये? हाँ ये मोनालिसा। ठीक है, इसके हम रेंज की बात करेंगे। ये 640 की रेंज है। ठीक है ठीक है, 640 रुपए की रेंज है। एंड ये देखिए इसमें ये कलर ऑप्शन आपको इसमें अलग अलग मिलेंगे देखने को। ठीक है ना। हाँ जी ठीक है। भैया नेक्स्ट आप, नेक्स्ट मैं आपको इनकी रिंग्स दिखाऊँ। अच्छा ये इयरिंग भी टीका रह गया ग्लास में, देखिए दिखाना बहुत ज़रूरी है। ये मिनिमम रेंज का, जैसे आप इयरिंग विद टीका 830 रुपए के रेंज में। ये बेसिकली ये इयरिंग है, मंग टीका है ये। इयरिंग विद टीका, इयरिंग्स के साथ टीका। ये देखिए ये इयरिंग और ये इसका टीका है, देखो। हाँ जी देखिए, ये देखो ये है, ये इयरिंग एंड इसके साथ का टीका है। एंड इनकी कॉस्टिंग की हम बात करेंगे भैया, 830 रुपए, मतलब 700-800 रुपए हजार के अंदर। ठीक है। एंड ये देखिए इसमें आपको ऐसे ऐसे अलग अलग कलर ऑप्शन इसमें मिल जाएंगे आपको, कलर्स मिल जाएंगे। अब ये इसी का ही उसी कंसेप्ट को लेके इसी के लॉन्ग नेकलेसेज हैं। ठीक है, कोई सिर्फ और सिर्फ कभी कभार क्या है कस्टमर चाहता है कि हाँ जी मेरे को लॉन्ग पहनना है, सिर्फ लॉन्ग साड़ी के साथ पहन लेते ना लोग, साड़ी के साथ सिर्फ एज अ लॉन्ग में इस तरीके का पहन लिया जाता है। ये देखिए प्रोडक्ट देखिए पूरा। ठीक है भैया, इसके हम बात करेंगे। इसकी क्या कॉस्ट होने वाली है? इसकी प्राइस भी समझ लो वही 2150 का है। 2150। एंड ये देखिए इसमें कलर ऑप्शन सारे मिंट का, व्हाइट मिल जाएगा आपको इसमें, ग्रीन मिल जाएगा, भी मिल जाएगा, मिंट मिल जाएगा, मिंट पिंक मिल जाएगा। ओके, इसमें डिजाइन मिल जाएंगे 3-4 लॉन्ग में। ठीक है, और इसी की मैं आपको रिंग से दिखा रहा हूं। रिंग ये जो छोटी छोटी बेसिक आइटम्स होती है ना, हाँ जी हाँ जी, कस्टमर्स बहुत ज्यादा मांगता है। ठीक है जी, मेरे को रिंग में वैरायटी दे दो, स्टड्स में वैरायटी दे दो, क्योंकि भी पता है रिंग स्टड्स एंड भैया ये होगा ना भैया, ये बहुत कॉमन है। आप क्या भैया हर जगह ही बंदा नेकलेस पहन के नहीं जा सकता, तो ये एक ऐसी चीज है भैया, मतलब हर के शादी पार्टी वेयर में जाता है, कहीं भी इसे वेयर कर सकते हैं। क्योंकि ये रेगुलर आइटम्स है, 12 महीने की आइटम। सही बात बोल रहे हो। ठीक है, ये देखिए कभी भी वेयर की जा सकती है। ये देखिए क्वालिटी देखिए इसकी। ठीक है, इसमें कम से कम नहीं तो 20-25 डिजाइन होंगे। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, एंड इसमें कलर ऑप्शन देखिए, ग्रे हो गया, येलो हो गया, एंड ये सारा जिसमें स्टोन देख रहे हैं सारा इसमें आपका मोनालिसा स्टोन है। ठीक है भैया, नेक्स्ट अब। और इनकी प्राइसिंग ज्यादातर 200-250 इसी रेट का। ठीक है भैया, नेक्स्ट अब ये देखिए, अभी इसमें थोड़ा बड़ा साइज आ गया। ये देखिए एक भैया एक आध ये भी निकाल के दिखाई देते हैं। ये देखिए दिख ही रहा होगा वैसे तो। ये देखिए, एंड भैया इसकी कुछ प्राइसिंग बढ़ जाएगी ना, क्योंकि इसमें फिर स्टोन भी बढ़ गए तो इतनी ज्यादा नहीं बढ़ेगी सर, मतलब कोई खास ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा। 250 रुपीज का। ठीक है, अंदर भी आप। ठीक है, ये रिंग्स मैंने आपको दिखा दी। अब मैं आपको एक थोड़ा सा रिंग्स में थोड़ा सा जो जेब अभी जो आपको मोनालिसा के साथ दिखाया था, ये थोड़े ओरिजिनल कलर ये कॉकटेल रिंग बोल रहे हैं। हाँ जी कॉकटेल रिंग, रूबी ग्रीन और व्हाइट, तीन कलर इसके अंदर मिलेंगे। और सभी कस्टमर्स को इन सब रिंग्स के बारे में पता है कि हाँ जी इनकी प्राइसिंग कहाँ कहाँ तक चली जाती है। क्वालिटी देखो, आपकी क्वालिटी में कोई कमी है तो बताओ भैया। कमी तो कुछ भी नहीं है, बस एक अच्छा वो चाहिए आपको, ग्राहक चाहिए, और उसको आप 250 की चीज को 2500 का ही बेच सकते हो आप। अब इनमें क्या है, कस्टमर जितने भी मेरे मिनिमम रेंज के कस्टमर्स हैं जिनको कम रेट में सौदा चाहिए, ये उससे रिलेट करते हुए हैं। जैसे अब ये 380 रुपीज का मैंने कॉकटेल रिंग दिखाई कुंदन में, अगर ये ही अगर मैं अनकट कुंदन में अगर थोड़ी सी हायर रेंज वाली कंसेप्ट में दिखा दूं तो उनकी रेंज चली जाएगी 1000 से ऊपर, 1000 प्लस से ऊपर उनकी रेंज आती है, वो भी सेल आउट होते हैं। मगर जिनको कम रेट में हिसाब किताब चाहिए होता है उनके लिए ऑप्शन बढ़िया है, ये ऑप्शन है और साफ सुथरा क्वालिटी वाइज वाला कॉन्सेप्ट है मिनिमम में। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे भैया। अगर यही कॉन्सेप्ट अगर मेरे हायर वालों ने भी देख लिया तो इसमें भी भीड़ लगा देंगे। वो तो है भैया, ये देखो साइज, अब ये इसमें साइज और बड़ा हो गया। ये देखो कॉकटेल साइज है, पूरा प्रॉपर साइज बड़ा था। ये देखो वो जैसे हमने पहले साइज दिखा था वो छोटा था, अब ये वैसे ही सबसे बड़ा। ये देखो थोड़ा सा जूम करके इनको कस्टमर को दिखाओ कि क्वालिटी एक्चुअल क्वालिटी क्या है, फिनिशिंग कितनी है। मैं आपको एक बार बता रहा हूँ, ये भी तो फिलहाल आप जो देख रहे हो वो कैमरे में देख रहे हो, लेकिन आप एक बार इसको रियलिटी में आके देखो, आप इसको हाथ पे वेयर करके देखना, मतलब यार 400 नहीं देंगे। देखो सर ये देखो, ये 550 रुपए का पीस है। हाँ जी, अब यही पीस अगर जैसे एसी कुंदन या डीसी कुंदन में चला जाए तो ये कम से कम नहीं तो इसी रिंग का प्राइस कम से कम नहीं तो 1500 से 2000 ऊपर का होता है। 550 रुपए का है और इसमें जब
ये कस्टमर जब वेयर करेगा, मतलब ये और हमारे से परचेज करेगा, उसको एक बार पता चलेगा कि हाँ जी, जब परचेज करेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि हाँ जी इसकी एक्चुअल क्वालिटी भी कम नहीं। ठीक है भैया, नेक्स्ट अब दिखाएंगे हम। अब ये मतलब इसी में काफी डिजाइन है, इसी के डिजाइन है बहुत सारी। देखो रिंग का साइज देख रहे हो, ये भी है, इससे बड़ा साइज है। हाँ ठीक है, ये देखो साइज है, ये मोनालिसा में और कंसेप्ट है। तो यार मैं आपको दिखा दूँ, बस ऐसे ही मैं आपको बॉक्स में दिखा रहा हूँ, क्योंकि यार पता भी है ना, और भी आपको प्रोडक्ट्स दिखाने में पता है वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। हाँ। तो खुद भी मजा नहीं आता देखने में वीडियोस को। ठीक है, बहुत डिजाइन है। ठीक है, अब नेक्स्ट भैया अगला मैं आपको दिखा रहा हूँ सर, ये एक मिनिमम रेंज का कंसेप्ट, सिंगल लाइन टू लाइन, एक मिनट दिखाता हूँ मैं आपको, पहले अनकट वाला कंसेप्ट दिखाता हूँ जो आजकल बहुत ज्यादा इन है। ये देखिए, ये अनकट करना है। ठीक है, तो ये और वो अलग है भैया, ये साइड में साइज शेप में फर्क आ गया। ठीक है, शेप का ना। अब ये देखिए, ये जो ये वाला आपका साइज है, ये आपका छोटा साइज में आता है, एंड ये आपको दिखाते हैं, ये देखिए। हाँ। ये इसमें आपका बड़ा साइज हो गया। हाँ जी। एंड इसमें पीछे पूरा मीनाकारी वर्क है भैया, है ना। हाँ जी। ये देखिए, ये आपका छोटा साइज हो गया। ठीक है, ये देखिए, एंड ये देखिए आपका बड़े साइज में आ गया। अब इनकी प्राइसिंग सुनोगे तो आप एक बार शॉक्ड हो जाएगा, आपको दंग रह जाएंगे। 490 रुपीस। ओ भाई, सीरियसली 490 रुपीस का गैर। अब नेक्स्ट हम दिखाएंगे, इनमें शेप्स मिल जाएंगी काफी। ये देखिए शेप्स, देखो अब ये राउंड शेप मिली है, ये देखिए ये राउंड शेप हो गई। ठीक है, राउंड हो गई, ये पान शेप हो गई, ये थोड़ी डिफरेंट दिल की शेप हो गई, दिल की शेप है, ये कुछ डिफरेंट शेप है, मगर कस्टमर जो है इनको बहुत लाइक कर रहा है अभी और मांग रहा है, तो ये उसका मिनिमम कंसेप्ट है। ठीक है भैया, नेक्स्ट हम आएंगे अगला ये इसका, ये है इसमें जैसे सिंगल, जैसे ये बड़े बड़े अनकट दिखाए थे, ये छोटे में आ गया, छोटे छोटे हैं, और इसमें बीट्स आ गए आपकी। एक मिनट पीस मैं आपको एक बार कोई लगा के दिखाता हूँ, ये मिनट सिंगल लगा, तो ये देखिए गाइस, ये मैं आपको पीस एक बार लगा के दिखा रहा हूँ, ये छोटे साइज में आपका आ गया ये। हाँ। इसमें क्या है, इसमें आपको नीचे बीड्स मिलेंगे कुंदन। हाँ। के साथ बीड्स आपके आ गए, और पीछे मीनाकारी वर्क होगा आपका पूरा। हाँ। इसमें भी मीनाकारी का वर्क होगा, बट ये सारा का सारा अब ये 390 का, 390 रुपीज का। ठीक है, ये उन्हीं कस्टमर के लिए जो एक्चुअल हमारे से थोड़ा सा मिनिमम रेंज का कंसेप्ट भी मांगता है। नेक्स्ट, ये देखो अब ये टू लेयर है, सिंगल लेयर दिखाया था, अब ये टू लेयर है, ये टू लेयर कुंदन आपका आ गया। टू लेयर भी इतना ज्यादा महंगा नहीं है, 730 का है, 730 का, वो 390 का, 390 का, और टू लेयर का 730 का। ठीक है, एंड ये देखिए मैं कलर ऑप्शन हो गए, कलर ऑप्शन, शेप, ये वो सब है। अच्छा, राउंड शेप हो गए, तो भैया शेप से कोई प्राइसिंग नहीं बढ़ेगी, शेप प्राइसिंग वही रहेगी? नहीं, प्राइसिंग वही रहेगी, बस ये है कि कस्टमर कोई राउंड लाइक करता है, कोई तिलक लाइक करता है। एक ये देखो अनकट में, जैसे हमने प्लेन दिखाया था, अब ये बीट्स के साथ आ गया, बीट्स के साथ। ठीक है, एंड इसकी देखिएगा, अब भैया हम इसकी बात करेंगे, इसकी क्या रेंज आने वाली है? ये सर 1080 का, 1080 रुपीस का। अब उसमें आप कहोगे कि हाँ जी वो 490 का था, तो ये 1080 का इतना सीधा डबल क्यों है? उसका रीजन है, उसका रीजन ये है कि जैसे ये सिंगल लेयर ऐसे जुड़ी हुई थी, उसमें कुंदन का ये पार्ट नहीं जुड़ा हुआ था। सही बात बोल रहे हो। ठीक है, तो उसमें क्रिस्टल वर्क्स, जो ये क्रिस्टल यहाँ पे जो टंबल्स लगे हुए हैं, जो टंबल्स लगे हुए हैं, वो भी एक्चुअल ओरिजिनल वाले लगे हुए हैं, ये नहीं है कि हाँ जी कोई भी बीड्स उठा के लगा दिए। ठीक है, तो ये आपको पड़ेगा 1080 की रेंज में। ठीक है, अब ये देखिए भाई, ये क्या चीज है यार, ये क्रिस्टल बीडिंग का काम। ये देखो, ये देखो, देखिए सर, ये आपको एक बार लगा के दिखाता हूँ, पता चलेगा चीज। ये देखिए, ये क्या हो रखा है वर्क यार, ये देखिए, ये सर इसमें थोड़ा सा हैंडमेड काम हो रखा है, ये टंबल जैसे यूज हुए हैं, इसमें हैंडमेड वर्क का काम है। ये देखिए आपको दिखाऊं, ये देखिए पीस, देखिए कितना फाइन है। ठीक है, अच्छा, इसकी भैया इसके बाद कोई खास ज्यादा रेंज नहीं। अब ये 2580 का है, थ्री लेयर, 2580 का। हाँ ठीक है, कुंदन का पूरी लेयर जो है ना, देखो अगर इसमें कुंदन थोड़े छोटे लगे हाँ। तो नंबर ऑफ क्वांटिटी कुंदन की ज्यादा लगी हुई, हाँ जी, हाँ जी। क्रिस्टल वर्क ज्यादा हुआ है, टेम्बल वर्क ज्यादा हुआ है, इस वजह से इसका प्राइसिंग 2500 के आसपास है। एंड ये देखिए गाइस, ये इसके कलर ऑप्शन देखिए, ये ओके हो गया, पीच हो गया, मतलब आपको सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। ठीक है, और ये 2580 का है। आपको नेक्स्ट डिजाइन दिखाएंगे, अगला डिजाइन देखिए, इसमें ये थोड़ा डिफरेंट है। अच्छा, अनकट कुंदन और बीच में थोड़ा त्यानी कुंदन का मिक्सचर, मतलब थोड़ा उसको दिया गया वैसा। अच्छा अच्छा, ये देखिए, मतलब एक कंसेप्ट ऐसा बनाया गया कि हाँ जी कुछ कस्टमर को कुछ डिफरेंट लगे। ये देखो लुक, देखो लुक, देखे कितनी इसकी शानदार, ये देखिए है सर कुंदन के साथ। नहीं भैया मैं बताऊँ, प्रोडक्ट चाहे आप एक्सपेंसिव दिखा रहे हैं, नॉर्मल कॉस्ट का भी, सारे बहुत बढ़िया है। अच्छा, अब ये देखिए इसे कलर ऑप्शन देखिए, इसके येलो हो गया, ग्रीन हो गया, आपका पीच हो गया, डार्क ग्रीन हो गया, मल्टी कलर हो गया,
मल्टी कलर मत बोला करो सर। अच्छा, मल्टी कलर क्या बोल के बहुत पुराना फैशन हो चुका है। अच्छा, नवरत्न आजकल नवरत्न बहुत ज्यादा चल रहा है। कस्टमर नवरत्न बोल के एक्साइट हो जाता है कि यार नवरत्न में कुछ दे। अच्छा चलो, नवरत्न कलर भी मिल जाएगा आपको भैया के पास, ठीक है ना। नवरत्न बोलो, ठीक है। सो भैया नेक्स्ट हम क्या दिखा रहे हैं, हमने मिस्टेक कर दिया और उसको हम करेक्ट करेंगे। हाँ जी, ये देखिए नवरत्न में आपका नेक्स्ट डिजाइन आ गया। ये देखिए, ये देखिए अनकट कुंदन के साथ नवरत्न कंसेप्ट। ये देखिए बहुत बढ़िया, देखिए टंबल बीडिंग हैंडमेड वाली हो रखी है। मल्टी कलर्स नवरत्न वाला कॉन्सेप्ट हुआ है। सारी बीडिंग जो है पूरी नवरत्न को लेके की गई है, जो एक्चुअली रजवाड़ी कॉन्सेप्ट है, बेसिकली नवरत्न कॉन्सेप्ट है। हाँ जी, ठीक है भैया। कलर्स इसके अंदर सारे मिल जाएंगे, ये देखिए, ठीक है। मतलब ये कलर इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये थोड़ा नवरत्न जो कॉन्सेप्ट होता है वो एक्चुअली रजवाड़ी कॉन्सेप्ट होता है। बेसिकली मतलब इसमें ये कहना चाहता हूं, हमने नवरत्न को ज्यादा प्रमोट करना है मल्टी कलर के मुकाबले भैया। सो बाकी गाइस देखो कलर्स सारे बढ़िया है। एंड बता दूं कि आपको मतलब ऑप्शन सारे मिल जाएंगे, आपको नवरत्न चाहिए, आपको कलर सिंगल कलर से सारे मिल जाएंगे, ठीक है ना। अब नेक्स्ट भैया मैं आपको इसका ना एक हैवी कॉन्सेप्ट दिखा रहा हूँ जो एज अ ब्राइड को लेके है, जो मतलब एज अ सेमी ब्राइडल, जो कुछ ब्राइड जो है पूरा पसंद नहीं करती, कहते हैं कि हाँ जी मेरे को एक पूरा हाफ ऊपर का नेक वाला दे दो, इयररिंग दे दो और टीका दे दो, दैट्स इट, ठीक है। ये उसी को लेके है जो एक्चुअल रेंज में आ जाता है। ये देखिए ब्राइड वाले जो हैं कस्टमर्स जो है ना वो ज्यादातर बेसिकली ब्राइडल बोलेंगे, बेसिकली ब्राइडल उसमें आ गया, सेमी ब्राइडल बोल सकते हैं, सेमी ब्राइडल, ओके, ठीक है। अब इसमें क्या है कि ये हैवी नेकलेस हो गया, इयररिंग हो गया, टीका हो गया, और आजकल जैसे शीश पट्टी चल रही है तो शीश पट्टी जो है ज्यादातर इस तरीके की एड ऑन हो रही है, लोग इस तरीके से शीश पट्टियां लेके ना, ये वाली, हाँ हाँ, ये देखो आजकल ना इस तरीके की शीश पट्टी बहुत चल रही है। ये शीश पट्टी कहाँ लगती है भैया? ये एज अ माथे में लगती है, जैसे टीका होता है ना। अच्छा अच्छा, हाँ, शीश पट्टी, हाँ, उसके साइड में, हाँ। ये देखो ये एज अ सेंटर में इस तरीके से ये एज ए शीश पट्टी लग जाती है। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ गया। एक्चुअली ना ट्रेंड में, एक्चुअली ना थोड़ा ना हिंदी समझ नहीं है ना, शीश पट्टी इतना नॉलेज नहीं है इसलिए पता नहीं चला शीश पट्टी है क्या। अब जैसे आपको मल्टी कलर में नवरत्न मैंने आपको समझाया, हाँ, तो वैसे मात्र पट्टी शीश पट्टी, शीश पट्टी हो गई, ठीक है ना। अब नेक्स्ट भैया अगला सर, ये तो हो गया, अब इसी में ना डिजाइन मिलेंगे। ये देखो डिजाइन आपको मिलेंगे, इसमें अलग अलग डिजाइन मिल जाएंगे, ये देखो। अरे ये तो उसी से रिलेटेड कंसेप्ट है ना, ये देखो मतलब वो दिखा दिए तो ये समझ लो उसी की गिनती में आता है ना। चलो एक बार ये भी आपको दिखाई देते खाते वाले, चलो लड़का कह रहा है तो कोई बात नहीं। गुंजन भाई की हमारे रिक्वेस्ट है, जरूर दिखाएंगे। बहुत गुंजन भाई ने बोला, नहीं गुंजन भाई ने कलर अच्छा निकाला है, नो डाउट, हाँ डिफरेंट कलर निकाला है, कलर भी बहुत अच्छा है। ये देखिए, एंड बात करेंगे भैया इसकी क्या रेंज आएगी सर? रेंज तो 1800 रेंज वही आनी है, ठीक है। जो कंसेप्ट आपको बता दिया कि कुंदन में आपको इकोनॉमिक दिखाना है तो रेंज जो है ऊपर जाएगी नहीं, ठीक है भैया। नेक्स्ट अगला ये देखो, ये एक रानी हार है। अच्छा, लंबे वाला डमी निकालो, अभी आपको रानी हार लंबे वाले डमी के लगा के दिखा दें, मतलब आपको मजा आ जाएगा। पहले तो मजा मतलब खतरनाक मजा, भैया एक बात पूछूं पहले, इसी कॉस्टिंग बताओ सबसे कुछ बातें बताना, पहले कॉस्टिंग बताओ, बताओ मजा आया कि नहीं आया, पहले बताओ। मजा तो आया, देखिए कॉस्टिंग बताओ फिर मैं आपको कुछ बताऊंगा। कॉस्टिंग सोचो 2850 रुपए लिखवा के ले लो, गारंटी का कह सकता हूँ, अच्छी की रेप्यूटेड जगह आपकी शॉप है ना भैया, आराम से 10,000+ में आराम से बिक सकता है गारंटी के साथ, गारंटी के साथ। और ये जो मैंने आपको पीस दिखाया है, हाँ, जैसे ये पीस दिखाया है, आप कोई भी जो हमारे ये छोटे छोटे पीसेस गए हैं अभी, जो भी छोटे छोटे हमारे पीसेस गए हैं, आप इनके साथ एज अ ब्राइड मिक्स मैच कर सकते हैं। ये देखिए, फॉर एग्जांपल ये देखिए, जैसे हमने ये ऊपर दिखाया, अगर हम इसको इसके नेकलेस के साथ इसको अगर हम ऐसे कन्वर्ट कर दें साथ में, तो ये एज अ ब्राइडल बहुत शानदार। हम दोनों की कुछ सोचो, अब इसकी प्राइस है 1220 रुपए ऊपर वाले नेकलेस की, और ये 2800 कुछ की है, मतलब लगा लो 4000 में, मतलब 4000 में मतलब आपको ये दोनों सेट मिल रहे हैं, मतलब ये तो होलसेल में बता रहा हूँ, और अगर रिटेल में इसका बेचते हो भैया 10-12,000 भैया गारंटीड पक्का है, बस कस्टमर होना चाहिए, कस्टमर इसके लिए पीस के लिए आराम से देगा भैया। एक चीज और भी बताऊंगा 10-12,000 कभी कभार कस्टमर नहीं खर्च करता, तो फिर जितने भी रिटेल शॉपकीपर्स होते हैं वो एज अ रेंट पे देते हैं। अच्छा, तो एज अ रेंट पे जो है उनकी प्राइसिंग जो है वो ऐसे रखते हैं 3,500-3,500 रुपए या 2,500-3,000 रुपए, जिससे कि वो कम से कम नहीं तो 10-15 बार चला जाता है। वो 10-15 बार चले जाने के बाद सोचो, आप तो सिर्फ 8-10 हजार रुपए बोल रहे हो,
वो एक ही पर्टिकुलर भैया फिर तो देखो फिर ये सजेशन देंगे भैया कि अपना रेंट पे देना शुरू कर दो, उल्टा ज्यादा अर्न कर लोगे। रेंट पे ही जाते हैं ये सब पीसेस भैया, वो तो है भैया, पता देखो ऐसे पीसेस जो है ना भैया नॉर्मली अपने मैरिज वेयर में काम आते हैं भैया, रेगुलर वेयर में भी कोई नहीं पहन सकता, इवन कहीं मैरिज में भी जा रहे किसी रिश्तेदार के, उसमें नहीं पहन सकते। मैं बता रहा हूँ ये जितने भी एज ए रिटेलर शॉपकीपर्स अपने पास ये सब चीजें रखते हैं तो हमने इनको दिखाया इसलिए कि हाँ जी ये रानी हार अलग से, और एक छोटा सा कोई बंदा हैवी नहीं पहनना चाहता, उसका हल्का नेकलेस पहनना चाहता है तो वो एक वैसा कंसेप्ट बन गया 4,000 रुपए के आसपास की रेंज का, ठीक है। तो फिर क्या होगा वो एज अ रेंट पे उसको सेल आउट, मतलब एज अ रेंट पे देने के लिए 2,000-3,000 रुपए उसके लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट टाइम दिखाएंगे, ठीक है। तो ये मैंने इसमें कलर भी मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है कि इसमें कलर नहीं, इसमें कलर है, इसमें देखो ठीक है, इसमें भी कलर है, नवरत्न, हाँ जी ये देखो नवरत्न कलर, भैया नवरत्न प्रमोट करता है क्योंकि मेरे मुंह से गलती से मल्टी कलर निकल गया था इसलिए। हाँ जी हाँ जी, नहीं ठीक है यार कि देखो नवरत्न है, नवरत्न है भी मतलब काफी अच्छा भी है। हाँ जी, अब मैं आपके वो इसके स्टड्स दिखा रहा हूँ, ये देखो अनकट के स्टड्स। अच्छा, ये अनकट में उसके स्टड्स है, ये देखिए स्टड्स आ गए आपके इसके। हाँ जी, रेंज 70 रुपीज, 70 रुपए में से आप। हाँ जी, और ये बहुत ज्यादा दिखते हैं सर। अच्छा। ये इतने ज्यादा बिकते हैं कि हाँ जी जैसे ऑफिस वेयर्स में इन सब चीजों पे आराम से इजीली लाइक भैया जैसे आपने बोला था कि काफी कस्टमर मांगते हैं, मैं भैया आई थिंक जो सबसे ज्यादा सेलिंग आर्टिकल है आपकी रिंग हो गई, इयररिंग्स हो गए, ये सबसे ज्यादा सेलिंग आर्टिकल्स में आता है क्योंकि भैया देखो नेकलेस हर समय कोई ऑफिस में पहन के जा नहीं सकता, बिल्कुल भी नहीं जाता। तो भैया देखो पार्टी शादी वगैरह भैया तो कभी कभी कोई वो होती है, ओकेजनली होती है, कोई रेगुलर तो होती नहीं है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट ये देखो अलग डिजाइन आ गया, लीफ वाला डिजाइन, ठीक है। प्राइसिंग अब आप इसके प्राइसिंग सुनो, 50 रुपीज, मैं 50 रुपए बोलने लगा, सही कर रहा हूँ, 50 ही बोलने वाला था क्योंकि सही थोड़ा छोटा था ना वो बड़ा था, ये 70 रुपए का था, 50 ही बोलने लगा था, हमने बोल दिया। अच्छा हुआ आपने नहीं बोला, अगर ये महंगा होता तो फिर आप फंस जाते हैं फिर बंदे, कोई नहीं भैया। मैं पीस देखो, हाँ 50 रुपीज का है तो वो एक्चुअल, अब ये देखो क्लियर जूम करके दिखाना कि एज ए 50 रुपीज में कोई कमी है कुछ भी नहीं, और पीस एक्चुअली पूरा प्रॉपर दिखाऊंगा कि कस्टमर को ये ना लगे कि हाँ जी अगर 50 बता रहे हैं कि कुछ है भी सही या ऐसे कुछ भी है। ठीक है ठीक है, क्वालिटी मेंटेन है सर। अगर कुछ मतलब इनके पीसेस हम क्वांटिटी में ज्यादा इसलिए मंगवाते हैं कि जैसे कारीगर को एक्चुअल उसकी प्राइसिंग भी निकल आ जाए और उसको ये भी नहीं लगे कि हाँ जी मिनिमम रेंज में बना रहा हूँ और क्वालिटी मेंटेन कर रहा हूँ तो कोई शिकायत भी ना है। ये क्या 30 रुपए, 40 रुपए? अरे नहीं सर 50, तो ये समझ लो 140 रुपए की, ठीक है। 140 रुपीज में अनकट की इस तरीके की रिंग्स कोई मांगेगा तो हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। सो गाइस फिलहाल बता दूं आज के लॉग में हमने भैया आई थिंक सब कुछ दिखा दिया, सारी वैरायटी दिखा दी, मिनिमम रेंज का वो कॉन्सेप्ट दिखा दिया जो साफ सुथरा एज अ मिनिमम रेंज भी है, ठीक है। वीडियो में जब आप वीडियो आप शेयर करेंगे तब कस्टमर को भी एक्चुअली लगेगा कि हाँ जी जो दिखा रहे हैं वो इतना चीप नहीं है जो एक्चुअली जिस हिसाब से उन्होंने रेट बताए। सही बात है भैया। हाँ जी, तो इसके अलावा आपको कोई भी डिटेल चाहिए तो भैया का नंबर आपके सामने आ रहा है, यहाँ पे आप जाके कॉल कर सकते हैं, यहाँ पे आपको सारी डिटेल और मिल जाएगी। इसके अलावा कुछ आपको और देखना था भैया से कांटेक्ट कर लेना, और भी आपको बहुत सारे ऑप्शन बता दिए जाएंगे। नेक्स्ट ब्लॉग किस चीज का आने वाला है? नेक्स्ट ब्लॉग जो है हमारा अमेरिकन डायमंड्स का और रेप्लिका ब्लैक मेटल ऑक्सीडाइज का आने वाला है जो एक्चुअली आउट ऑफ कंट्री में बहुत ज्यादा इन है। तो क्या होता है वो उसका भी शूट हम आज ही कर ले, थके पड़े लेकिन कोई नहीं कहता आज ही हम शूट कर ले, तो देखते हैं। चलो ब्लैक मेटल रेप्लिका का बहुत ज्यादा इन वाला कॉन्सेप्ट दिखाएंगे, तो बेसिकली मतलब आउट ऑफ कंट्री मतलब बाहर की कंट्री में बहुत चलता है, मतलब बहुत वो कॉन्सेप्ट चल रहा है। तो चलिए उसका वेट कीजिए क्योंकि तो काफी हमारे जो हमारे फॉलोअर्स है सब्सक्राइबर्स है वो आउट ऑफ द कंट्री है तो उनके लिए ऑप्शन बढ़िया है, वो जरूर देखेगा, हम आपको उसमें बड़ी बड़ी वैरायटी दिखाएंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में नई कलेक्शन लेके, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।